बड़े मैम, ये ऐसी औपचारिकताएं होती हैं के दिलों पर राज करने वाले सांसद राजनेता चौधरी धर्मवीर सिंह आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जहां जहां ये आते हैं हमें आशीर्वाद देने, हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। निश्चित तौर पे एक ऐसे विजन के इंसान जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की हैं, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी आपका पुनः स्वागत करते हैं। मुझे तो आज ये लग रहा है क्योंकि मैं डूटा का मेंबर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आज मुझे लगता है कि वो डूटा तो अब लगता है धीमी पड़ गई है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी की डूटा ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूँ सुरेश मलिक साहब का, बीसी साहब का, जिन्होंने ये कार्यक्रम बेस्ट कॉलेज को सौंपा। उससे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय सांसद धर्मवीर जी का, दिलीप जी का, जिन्होंने हमारे इस प्रार्थना को स्वीकारा। उसके साथ ही साथ माननीय मेरे ट्रस्टी कोलीग, प्यारे साथियों, सर क्योंकि मैं कॉमर्स साइड से आता हूँ, जैसे वो भाई साहब बता गए थे, आपने 2015 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष था केडी सर बेस्ट कॉलेज की, उसके बाद ही अब हो रहा है, और आपने सर अपने फंड में से 15 लाख रुपए की घोषणा की थी हमें, उसका हेड बदल रहा है क्योंकि आपको जैसे चलिए सर, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी सर, माननीय 21 लाख मुझे पता है, अभी तो अमिताभ बच्चन का हाथ यहाँ से यहीं तक आया भाई। सर कॉलेज की फेर गई। प्रिंसिपल साहब आप आते हैं सर, दे यार हमको भी ठीक नहीं कर पाए, कोई कोई टेक्निकल अड़चने आई, इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि जहाँ आपकी स्टेज है यहाँ पर कोई अच्छी चीज बना लो, 21 लाख रुपए बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ ज्यादा औपचारिकता में वो चीजें बताना चाहता हूँ अपने माननीय सांसद साहब को। सर लिटरेसी का प्रोग्राम, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है दादरी और भिलाई, माननीय बीसी साहब के सौजन्य से वी एश्योर यू सर के 2 साल में कोई भी इलिटरेट आदमी इस जिले में नहीं बचेगा, कोई भी आदमी साइनर पहचान लेगा और 30 अक्षर पढ़ने की क्षमता में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं हमारे वाइस चांसलर साहब को बताना चाहता हूँ, और धर्मवीर जी जैसा आप देखने गए थे, प्रिंसिपल साहब 2 मिनट, अभी तो सर से सिर्फ 21 लाख मांगे, अभी तो बहुत कुछ मांगना है, बीच में आप आ गए सर। सर 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, हर जगह आजकल रोजगार की बात हो रही है, मैं वेस्ट कॉलेज के इस पोडियम से आपको अश्योर करता हूं सर कि हमने 150 कंप्यूटर चालू कर दिए हैं, 50 कंप्यूटर वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चालू कर दिए हैं, जिसके लिए मैं अपने ट्रस्टी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये अश्योर कर दूँ सर आपको सबको कि जिस व्यक्ति ने अपनी स्किल कंप्यूटर पे बढ़ा ली उसको रोजगार का सर्टिफिकेट मैं और ये प्रोफेसर नहीं देंगे सर, टैली कंपनी उनको रजिस्टर करके अपने पोर्टल से उनको जॉब दिलाएगी, ये इंतजाम सर इस कॉलेज के छात्रों के लिए कर दिया गया है। अब जैसा मैं बता रहा था कि इन छात्रों को कंप्यूटर सेंटर में इनको जाना पड़ेगा, आइडिया क्या है कि इनका स्किल अनाउंसमेंट होना चाहिए, और उसी दिशा में सर 4 सिलाई केंद्र आपके भिवानी शहर में लग रहे हैं, एक का उद्घाटन हम परसों सुबह कर रहे हैं, जिसमें ऐसी महिलाएं जिनको चाहे वो स्कूल गई नहीं गई, लेकिन मैं आप ऋषि साहब को भी और अपने सांसद महोदयों को बताना चाहता हूं, सब गणमान्य व्यक्ति को बताना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर सर को भी बताना चाहता हूं कि जिसने 6 महीने उस पर कोर्स कर लिया सर, सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसा आपने आदेश दिया था, उसको 500 से 1000 रुपये का काम उसके घर पे जाएगा, उसको कहीं नहीं जाना इस काम में। और सर जैसा माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, ये आपका कॉलेज ग्रीन एनर्जी की तरफ चला गया सर, सोलर प्लांट यहाँ अगले 5-7 दिन में चालू हो जाएगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 1 भी यूनिट बिजली की नहीं मांगेंगे, रादर वेस्ट कॉलेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहेगा कि बिजली चाहिए तो हमसे ले लो, ये एक
आपके बेस्ट कॉलेज ने काम किया सर, साथ ही साथ आपके और वीसी साहब के आशीर्वाद से न्यू कोर्सेज के लिए वी आर ट्राइंग सर, और वो करके ऐसे कोर्सेज को चूज कर रहे हैं जिनके लिए बच्चे भिवानी से बाहर जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, अभी लास्ट वीक एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया यहाँ कॉलेज में सर, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 100 लड़कियाँ यदि ब्लड डोनेशन करने आई तो 80% उसमें फेल हो गई, क्योंकि उनका होमोग्लोबिन सर 8 से नीचे था, जिसको मेडिकल साइंस में हम अनीमिया बोल देते हैं, अनीमिक बोल देते हैं। तो उस साइड में भी सर वेस्ट कॉलेज पूरे शहर में अपने कॉलेज के बच्चियों का पहले और उसके बाद पूरे शहर के अंदर इस तरह के वेरियस कैंप लगाएगा। डॉक्टर पूनिया साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिससे उनका होमोग्लोबिन 14 तक पहुँचाया जा सके, और अगली बार जब ब्लड डोनेशन कैंप भिवानी में लगे तो वो 100% बेटियाँ या जो लड़के ब्लड डोनेशन में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें, क्योंकि आपको सबको पता है कि ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, जैसे शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से वेस्ट कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से, ट्रस्टी साहिबान की तरफ से, और ये जो टीम आप देख रहे हैं लगी हुई है, ये जो किली ये किलकारियाँ ये जो बता रहे थे हमारे हेके साहब, प्रॉब्लम क्या है कि हमने अरेंजमेंट सोचा था 500 का। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ वेस्ट कॉलेज में है, क्या संदेश देना है? देखिए सर, मैं सबसे पहले वाइस चांसलर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, इतने बड़े आयोजन के लिए उन्होंने वेस्ट कॉलेज को चुना है, और उससे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रिंसिपल का, उनकी टीम का, सारे मतलब जो टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, नॉन टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, जो पूरे एक हफ्ते से लगे हुए हैं रात और दिन। और आपको मैं ताजुब की बात बताऊँ, मैं पूरे एक हफ्ते इन पर दिल्ली से ही मॉनिटरिंग करता हूँ, और 2 बार मैं आ चुका बीच में, ताकि कोई किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। तो मेरा ये मानना है कि भिवानी में, भिवानी ज़िले में इस तरह का आयोजन इस कॉलेज में 7 साल के बाद हो रहा है, और आपने सुबह से आप यहाँ हैं, आप देख ही रहे हैं कितना जोश, जज्बा और जुनून बच्चों में और टीचर साहिबान में है। 65 कॉलेज के टीमें आई हुई हैं, 65 कॉलेज के प्रिंसिपल, 65 कॉलेज के वेरियस टीचर्स एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स वो मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो वेस्ट कॉलेज हो चाहे कोई भी हो, बहुत कुछ काम कर रही है। कोरोना के चक्कर में बहुत लोगों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रुक गई, तो वो एक ऐसा मौका मिला है कि सब बच्चे इतने इतने तैयारी करके आए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसका प्रोग्राम कितने मिनट ली जाए, तो मिनटों की कमी हो रही है। और मैं उससे ज़्यादा हमारे सांसद धर्मवीर जी का शुक्रगुजार हूँ कि एक ही टेलीफोन कॉल पर उन्होंने आज के चीफ गेस्ट की भूमिका अदा कराई है, और आगे मैं आऊँगा। और उससे ज़्यादा हमारे को उन्होंने आज 21 लाख रुपये कॉलेज के हॉल को ठीक कराने के लिए या कोई भी काम के लिए, आज आपने देखा नगर पार्लियामेंट फंड से 2015 में भी वो चीफ गेस्ट थे उन्होंने दिए थे, वो किसी कारणवश फंड नहीं भी हो पाया था, आज उन्होंने उस हमारे 21 लाख रुपये को रिन्यू कर दिया है, और बता दिया कि जहाँ कोई बात अगर नहीं मुझे बताओ, अपने 21 लाख रुपये लिया लो काम करा। सर आज आपने कंप्यूटर एजुकेशन की बात की, तो ये जो कंप्यूटर एजुकेशन है सिर्फ वेस्ट कॉलेज के जो छात्रों के लिए है या सभी बच्चों के लिए, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है? देखिए 2 बजे तक तो ये कॉलेज और स्कूल के छात्रों के लिए, 2 बजे से 6 बजे तक भिवानी का किसी और स्कूल का छात्र हो चाहे ना भी छात्र हो, जिसको मैं बोलता प्रौढ़ शिक्षा, कोई एल्डर आदमी 50 साल का कंप्यूटर नहीं सीख पाया, तो वो भी वेलकम है, और उसमें एडमिशन नहीं लेना। सिर्फ हमने टोकन फीस रखी है 100 रुपये महीना, हमारा पर्पज पैसा कमाना नहीं है, हमारा पर्पज है भिवानी के लोगों को इतना स्किल कर देना। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, आगे देखता रहता हूँ वीडियो। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहा है विधानसभा, यदि आप लोगों से बात करते हैं तो हर जगह रोजगार 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 बेरोजगार जिसकी बात करती है। मैं आपको ये श्योर करता हूँ वेस्ट कॉलेज भिवानी विद इन 1 ईयर ऐसे प्रोग्राम लागू करेगा कि जो बच्चा यहाँ से कोई भी क्लास पास करे, चाहे कॉमर्स करे, आर्ट्स करे, साइंस करे, हम उसको एक नौकरी के लायक ऐसा बना देंगे कि मिनिमम 15-20 हज़ार का जो उसको कॉलेज से निकलते ही मिले। और कोशिश होती कि ऑन कैंपस ही उनका एम्प्लॉयमेंट, जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते वो अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में। कंप्यूटर की शिक्षा आपको पता है उसके बगैर गुजारा नहीं होगा,
क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। अब यदि आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो उतने ही अनपढ़ हो पढ़े लिखे जिसका मैं जो आगे। सर जैसे आपने महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की भी बात की है, सिलाई सेंटर आप ओपन कर रहे हैं, परसों एक ओपनिंग है, तो इसमें कौन महिलाएं शामिल हो सकती है, उसकी फीस वगैरह क्या कुछ रखी गई है? देखिए वो टोटली फ्री है, उसमें भी हमने टोकन 100 रुपये की फीस रखी है। केवल इसलिए रखी है कि जो आदमी आता है उसको थोड़ा सा लगे मैंने 100 रुपये खर्च किया, क्योंकि फ्री की कोई भी चीज़ बांटने के मैं खिलाफ हूँ। चाहे किसी को जैसे सरकार भी अनाज फ्री बांट दिया ना, उनके जुम्मे लगा दो कि ये पार्क है इसका कूड़ा बीन के इसमें डाल दो तो कुछ वो अनाज ले जाओ, क्योंकि जो हराम खोरी जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे उससे वो चीज़ पनपती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सिलाई केंद्र है, ये मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊँ, अपने देश में 2 सिलाई मशीन की कंपनी है, एक उषा और एक सिंगर। सिंगर मशीन हम रोटी के प्लेटफार्म से उनसे CSR फंड से ये मशीनें देते हैं। एक मशीन जो 10,000 रुपये की है वो 5,000 रुपये मिलती है हमको, 5,000 रुपये हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। और आप परसों देखेंगे जो ये सेंटर बनेगा, जहाँ तक आपने पूछा किस तरह की महिलाएं कर सकती है, जो कभी स्कूल नहीं गई, जो कुछ नहीं किया या जो स्कूल भी गई रोजगार नहीं है, उनको हम इतना ट्रेन कर देंगे कपड़े सिलाई में किसी भी और काम में। आप एक बात बताएं, आपको आज एक सूट सिलाना किसी हमारी बिटिया कोई आदमी का कुछ भी, आपको शर्ट सिलानी है, कोई भी टेलर मास्टर कहता 15 दिन में आ जाना, इसका मतलब उस टैलेंट की कमी है। तो हम तो घर बैठे ट्रेन करके, और ये और बता दूं आपको, ऐसी महिलाएं जो ये कहेंगे जी मेरे पास सिलाई मशीन की व्यवस्था नहीं है, जो बिल्कुल गरीब महिलाएं हैं, जो आप जैसे पत्रकार साथी या दूसरे गणमान्य व्यक्ति की कमेटी मैंने बना दी है, वो यदि ये सर्टिफाई कर दें कि इसके पास नहीं है, तो वह सिलाई मशीन भी हमारे रोटरी के प्लेटफार्म से हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इसमें जो फिजिकली चैलेंज लोग भी हैं जिनके दिक्कत है, ये तो घर बैठ के सिलाई का काम वहाँ भी कर सकते हैं, उनको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। आप देखते हैं अक्सर जो बेटियाँ हमारी हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शादी के बाद कि उनके पास रोज़गार नहीं है, और बहुत सारे लोग नौकरी उनको करने नहीं देते। तो हमारा ये प्रयास है कि उनको एक सिलाई मशीन के माध्यम से वो अपना काम अपना करें और 500-700 रुपये रोज़ कमाएं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो ये भिवानी शहर और हरियाणा की आर्थिक स्थिति बना देंगे। सर 100 साइकिल की बात की आप, 100 साइकिल कब लेके आ रहे हैं दोबारा? 100 नहीं, 111 साइकिलें, एक हमने ग्लोबल ग्रांट बोलते हैं, उस ग्लोबल ग्रांट में मेरे पास मेरे ख्याल से 15-20 दिन आ जाएगी। उसका भी मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो गरीब से गरीब बेटियां हैं, हालांकि उसमें हमारा कोई मतलब किसी को भी दे सकते हैं हम, लेकिन जो मैं हालत देखता हूँ वो मैं गरीब से गरीब लड़कियों को वो साइकिलें दूँगा, वो सारी बहुत लाजवाब साइकिल है 15-15 हज़ार रुपये की, ताकि वो अपने घर से दूरी से जो बहुत दूर स्कूल है, वैसे तो मैंने सुना हरियाणा में 2 किलोमीटर में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अच्छे स्कूल में किसी को जाना है तो ये मेरा दावा है कि उनको उस साइकिल की मदद से वो अपने जो भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करनी अच्छी जगह पर आ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। महासचिव वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, वो बहुत जल्द 111 साइकिल लड़कियों के लेकर के आ रहे हैं, और परसों से एक सिलाई सेंटर का शुभारंभ हो रहा है, 3 सिलाई सेंटर और खुलने जा रहे हैं, तो इस एजुकेशन का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना सब रोजगार अपना सकते हैं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन जया के साथ वेद प्रकाश दाखिल रहती हूँ।